गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हमने कल पढ़ा था, एक हमने नई मात्रा पढ़ी थी उ की मात्रा। अभी तक हम आ की, छोटी की, बड़ी की मात्रा पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उ की मात्रा। इसको बोलते हैं छोटा उ। ठीक, तो कैसे बोलते हैं उ? कल हमने दूसरे व्यंजनों, कल हमने शुरू ही की थी उ की मात्रा और हमने व्यंजनों के साथ मात्राओं को लगाना सीखा था और पढ़ना सीखा था। तो आपने भी घर पे CW, SW वर्ग किया होगा तो उसको लिखते लिखते बोला होगा है, मैंने आपको क्लास में बोला है कि अपने को वर्ग कैसा करना है कि उस शब्द को पढ़ना भी है और लिखना भी है और जोर जोर से बोलते हुए लिखना है। तो उससे क्या होगा बेटा कि आपको शब्द पढ़ना आ जाएंगे और अगर आपको ये शब्द पढ़ना आ गए तो आप हिंदी की किताब पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से आपको अपनी जो हिंदी की किताब है वो पढ़ना सीखेंगे या फिर कुछ भी आप पढ़ सकते हो। आप बिल्कुल जैसे आप ये शब्द पढ़ते हो तो शब्दों को मिला मिला के पढ़ सकते हो। आज हम दूसरे व्यंजनों के साथ उ की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। ठीक, अब जैसे मैंने ये लिखा है ख, क्या बोलते हैं बेटा इसको? ख। अब ख में उ की मात्रा लगाई हमने, तो ख में उ की मात्रा कहां पर लगाई? जहां पर ये ख की लाइन है वहां से लाइन के बाहर की मात्रा हमने लिखी और ये ऐसे लगा दी। ठीक है ना, ऐसे। और इसको तो क्या पढ़ेंगे, इसको ख में उ की मात्रा तो खू। तो आपको मैंने बताया था कि केवल व्यंजन के साथ उनको मात्रा का उच्चारण करना है। तो ये व्यंजन तो आपको पता ही है कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? ख। और ख में हमारी मात्रा कौन सी लगी? उ, है ना? तो क्या हो गया? खू। केवल व्यंजन का उनको उच्चारण, व्यंजन के साथ मात्रा का उच्चारण करना है। और आपको तो पता ही है इसको कौन सी मात्रा बोलते हैं? उ की मात्रा। कौन सी मात्रा बोलते हैं बेटा? उ। ठीक, तो ख के साथ छोटे उ की मात्रा तो खू। अब इसके बाद हम अगला व्यंजन लिखेंगे, क्या है ये? छ। अब छ में हमने उ की मात्रा लगाई, देखिए ऐसे। छ में उ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? व्यंजन के साथ मात्रा कौन सी है? उ की। तो क्या होगा ये, इस व्यंजन को हम क्या पढ़ेंगे मात्रा से ही? छू। ठीक है, तो क्या हो गया ये? छू। अब अगला व्यंजन है हमारा, क्या पढ़ते हैं इसको, पता है ना आपको? था। अब था में आपको कौन सी मात्रा लगानी है बेटा? उ की। और मात्रा का उच्चारण करेंगे इसके साथ तो बोलो बेटा क्या होगा? था में उ की मात्रा लगाई हमने तो क्या हो गया? फू। केवल हमको व्यंजन के साथ मात्रा का उच्चारण ही करना है तो ये पढ़ना आपको इजी रहेगा। अगर आपको मात्रा, व्यंजन तो आपको पता ही है, क से लेके ग तक सारे व्यंजन आपको बहुत अच्छे से लर्न करवाए थे मैंने और आपने घर पे किए भी है और क्लास में भी आपने मुझे पढ़ के बताया। तो व्यंजन आपको पता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद अभी मात्रा में आपको कल भी मैंने पढ़ाई थी, आज फिर मैं पढ़ा रही हूँ। मात्रा आपको पता है उ की, तो व्यंजन के साथ हमने कौन सी मात्रा लगाई है? उ की। तो क्या हो गया? थू। इसके बाद हम लगाएंगे, इसके बाद अगला व्यंजन है हमारा न, है ना? पता है ना इसको न बोलते हैं। ठीक है, अब न में आपको कौन सी मात्रा लगाई है? कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं? उ की। तो न में उ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया हमारा? नू। ठीक, न में उ की मात्रा व्यंजन में, ना व्यंजन में कौन सी मात्रा लगाई हमने? उ की। तो क्या हो गया? नू। ऐसे ही अगला व्यंजन है हमारा ल, है ना? क्या बोलते हैं इसको? ल। अब ल में हमको उ की मात्रा लगानी है। ठीक है, अभी अभी हम उ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो हमको इसको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ल में उ की मात्रा तो लू। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। खू। क्या पढ़ेंगे? खू। छू। ठू। नू। लू। तो देखो हमारे व्यंजन के साथ मात्रा का उच्चारण हो रहा है उ की मात्रा। क्या आपको डरने की जरूरत नहीं, केवल बस आपको व्यंजन आपको पता है, मात्रा आपको पता है, बस व्यंजन बोलना है, मात्रा साथ में बोलनी है। ठीक है, तो इसको आप अपनी CW कॉपी में लिखेंगे और मैं इसका फोटो
थी, तो आप बिल्कुल अच्छे से लिखना। मात्रा आपको लगाना आ गई, अगर नहीं आई है तो आप मुझे रिकॉर्डिंग ऑडियो सेंड कर सकते हैं कि मैम हमको मात्रा लगाना नहीं आई। तो मात्रा लगाना बहुत इजी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे व्यंजन की लाइन है, जैसे अच्छा अच्छा मैं तो आप बोलूँ कि मैम इसमें तो हमारी व्यंजन की लाइन ही नहीं आ रही है, तो हमको ऐसे लगाना मात्रा। देखो ये